हेलो गाइस, तो यहाँ पर हम आरपीएम कैसे निकाले और उसके साथ ही फीड कैसे कैलकुलेट करें, इन दोनों के बारे में देखेंगे, टर्निंग और मिलिंग दोनों के बारे में, क्योंकि वो टर्निंग और मिलिंग में दोनों में फीड का कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहला इक्वेशन है हमारा, जो बेसिक इक्वेशन है, वीसी इक्वल्स टू पाई डी एन बाय 1000। तो ये सारे नोमेनक्लेचर्स क्या है वो यहाँ पर हम इस टेबल में देखते हैं। तो वीसी, उसका मीनिंग होता है कटिंग स्पीड, जो कि उसका यूनिट रहेगा मीटर पर मिनट या SFM, यानी कि फीट पर मिनट में उसे दिया जाता है। ना वो कहाँ पे होता है, वो इंसर्ट के बॉक्स के पीछे लिखा हुआ होता है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे किसी भी TNMG या WNMG इंसर्ट के बारे में, तो उसका जो बैक होगा इंसर्ट का, उस बॉक्स में आपको इसका ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा उसमें। नाउ पाई, जो कि एक कॉन्स्टेंट है, यूनिटलेस है, उसकी वैल्यू होती है 3.14। फिर डी, यानी कि वो डायमीटर डिफाइन करता है। अब यहां पर सबसे समझने वाली चीज है, ये एमएम में होता है। यहां पर आपको जो डायमीटर फीड करना होता है, लिखना होता है कैलकुलेट करने के दौरान, वो एमएम में होता है। फिर सबसे सही चीज है टर्निंग और मिलिंग, इन दोनों के बारे में समझना। टर्निंग में हमें क्या करना होता है, यहां पर कंपोनेंट का डायमीटर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कंपोनेंट के किस डायमीटर पर अभी हम काम कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर डायमीटर के लिए हमारा आरपीएम कितना रहेगा। ओके, और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो मिलिंग में हमारे पास एंड मिल, कोई कटर्स होते हैं, एंड मिल कटर है जिसका डायमीटर रहेगा 12 mm, फिनिश एंड मिल है हमारे पास 12 mm की, तो यहां पर हमें कटर डायमीटर डिफाइन करना पड़ता है। अगर हमारे पास 80 mm डायमीटर का कटर है, तो हमें कैलकुलेशन के दौरान 80 mm स्पेसिफाइड करना पड़ता है। टर्निंग में तो देखा जाए तो यहां पर एक G96 करके कमांड रहता है, जो हर टाइम पे हमारा कटिंग स्पीड को कांस्टेंट रखेगा। G96 कमांड क्यों यूज होता है, कटिंग स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए। सिर्फ हमें क्या डिफाइन करना है, G96S 250, यानी कि 250 की मेरी कटिंग स्पीड है, उसको कांस्टेंट रखना है। फिर LIMS इक्वल्स टू 1500, यानी कि 1500 RPM तक मेरी कटिंग स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो RPM फॉर पर्टिकुलर डायमीटर, अगर आप जब ये फीड करोगे वैल्यू सारी और स्क्रीन पे देखोगे, तो फॉर पर्टिकुलर डायमीटर यानी कि 100 mm पे आपका अगर टूल अभी काम कर रहा है, मशीनिंग कर रहा है, तो अगर उसका डायमीटर 100 mm लिख कर आप कैलकुलेट करोगे स्पीड, तो वो जो कंटिन्यू जो आप स्क्रीन पर देखोगे, तो वही आरपीएम कैलकुलेशन के दौरान आएगा। नाउ एन, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट उसका यूनिट होता है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इस फॉर्मूला की मदद से। 1000, जो कि हमें क्यों यहां पर 1000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है मीटर में, एमएम की वैल्यू मिलीमीटर की वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर हमने 1000 से डिवाइड किया। वो कैसे, तो यहां पर मैं वो दिखा देता हूं। वीसी इक्वल्स टू पाई डी एन बाई 1000 होता है। यहां पर एन यानी कि हमें आरपीएम कैलकुलेट करना है कि मैं कितने आरपीएम पर मेरा स्पिंडल को घुमाओ। एन इक्वल्स टू वीसी इंटू 1000 बाई पाई डी, ये सारा मैंने यहां से कन्वर्ट किया। नाउ कैलकुलेशन फॉर आरपीएम के लिए सबसे पहले यहां पर हम ये बात समझ लें, वीसी जो कि मीटर पर मिनट में मैन्युफैक्चरर के हिसाब से दी जाती है इंसर्ट के बॉक्स में। ओके, फिर पाई, पाई तो वो यूनिटलेस है, एन यानी कि रोटेशन पर मिनट। फिर डी, वो हमारे पास एमएम में होता है, क्योंकि हम ये पूरा फॉर्मूला है वो डायमीटर के एमएम के लिए ही बना हुआ है, बट यहां पर हमें यूनिट को सामने सामने इक्वल करने के लिए हमने यहां पर 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, जिसकी मदद से ये पूरी मेरी वैल्यू है वो मीटर में हो गई। तो यहां पर मेरा जो यूनिट बनेगा वो मीटर पर मिनट में बनेगा, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। सो इसीलिए हमें यहां पर 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, नाउ क्योंकि 1000 mm इक्वल्स टू 1 मीटर, यहां पर तो हमें डायमीटर स्पेसिफिकली एमएम में ही लिखना पड़ेगा हमारे इजी के लिए, हम इजीली कैलकुलेट कर पाए इसीलिए, और हम एमएम में काम करते हैं इसीलिए। ओके, सो इसीलिए हमें, बट हमें वीसी जो दी जाती है वो मीटर पर मिनट में दी जाती है, सो हमने यहां पर 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। नाउ यहां टर्निंग में एक इंसर्ट के बारे में बात करते हैं, TNMG 160404 QM 4225।
ये स्टील ग्रेड के लिए है, ये सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अगर ये आप सैंडविक की इंसर्ट सर्च करोगे गूगल में तो ये सारे पैरामीटर मिलेंगे। मैंने यहाँ पर तीन पैरामीटर लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहला है एपी यानी कि डेप्थ ऑफ कट, तो हम पर साइड कितनी डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं वो यहां पर मेंशन किया जाता है। लेकिन ये काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि क्लैंपिंग आपने कितना किया हुआ है, आपका मशीन कितना रिजिड है, ये सारी बातें। तो डायरेक्टली इस पर ट्राई मत कर देना। ओके, यहां पर डेप्थ ऑफ कट पर्टिकुलर इंसर्ट के लिए, इस इंसर्ट के लिए है फॉर स्टील ग्रेड। ओके, नाउ यहां पर लिखा है कि वो 3 mm है और ये mm में है, यहां पर इंच में है 0.118 इंच। तो यहां ये दोनों का कन्वर्जन ही है, जैसे कि एक इंच 1 इंच इक्वल्स टू 25.4 mm होता है यानी कि 2.54 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अगर उसका कैलकुलेशन हम करें तो 25.4 mm इक्वल्स टू 1 इंच, सो 3 mm इक्वल्स टू व्हाट, नाउ 1 × 3 / 25.4 इक्वल्स टू 3/25.4 इक्वल्स टू 0.118। तो हमें ये आंसर मिल गया। ये सारा समझाने के लिए किया है और कुछ नहीं। फिर फीड दी जाती है, फीड तो वो है यहां पर Fn इक्वल्स टू 0.25 mm पर रिवोल्यूशन और 0.1 इंच पर रिवोल्यूशन, ये दोनों दी जाती है। ओके, सो वी कैन डायरेक्टली फिट दिस वैल्यू इन अवर प्रोग्राम एज पर मटेरियल सिलेक्शन। जो मटेरियल है उसके हिसाब से फीड है हमारी। मटेरियल हमें यहां पर इंसर्ट के बॉक्स में ही लिखा जाता है। ये जो सारे पैरामीटर्स है वो स्टील के लिए है, कास्टिंग के लिए है, स्टेनलेस स्टील के लिए है, नॉन फेरस मटेरियल के लिए है, तो वो सब देख के हमें सारी वैल्यू हमें यहां पर लिखनी है। फिलहाल ये स्टील के लिए डेटा है और पर्टिकुलर यहां पर जो नाम था TNMG160404QM इसके लिए ये सारे पैरामीटर्स अवेलेबल है। नाउ तो हम डायरेक्टली टर्निंग में ये वैल्यू फीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि F 0.25, तो 0.25 mm पर रिवोल्यूशन की फीड से हमारा मशीन है जो एक्सिस है वो ट्रैवल करेगी। नाउ उसके बाद है कटिंग स्पीड। तो फिलहाल हमारे पास जो इंसर्ट है उसकी कटिंग स्पीड है 365 मीटर पर मिनट और उसका दूसरा यूनिट है SFM, SFM यानी सरफेस फीट पर मिनट, तो उसे ये इस तरह से भी लिखा जाता है। नाउ अगर हम कैलकुलेट करें एक एग्जांपल लेके, VC इक्वल्स टू पाई डी एन बाई 1000, तो अगर मुझे RPM कैलकुलेट करना है फॉर पर्टिकुलर 100 mm डायमीटर, तो N इक्वल्स टू VC इंटू 1000 / πD एंड इक्वल्स टू VC जो है 365 × 1000 / 3.14 × डायमीटर, तो वो है 100। तो 100 के लिए हमारा RPM रहेगा यहाँ पे, उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये मैंने सर्च किया है इंसर्ट का नाम और मुझे यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स जो मैं अभी समझा रहा था आपको, तो ये सारे लिखे हुए हैं। ये है, ये ग्रेड के बारे में है, स्टील, फिर यहाँ पर M यानी कि स्टेनलेस स्टील, K फॉर कास्टिंग, N फॉर नॉन फेरस, S फॉर हमारा जो S फॉर सुपर एलॉय एंड H फॉर हार्डन मटेरियल। S यानी कि वहां पर जैसे टिटानियम जैसे ग्रेड के मटेरियल्स आ सकते हैं, तो उसके जो पैरामीटर्स हैं मैंने यहाँ पर लिखे हुए, कुछ इस तरह से मैंने आपको समझाने की ट्राई की है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में जो RPM आएंगे वो कुछ 1165 RPM रहेंगे, क्योंकि 365 VC के हिसाब से हमारा जो चक है तो वो 1165 RPM पे घूमेगा। नाउ यहाँ पर मिलिंग के एग्जांपल दे, तो मैंने यहाँ पर एक मिलिंग इंसर्ट सर्च की है, तो उसकी जो आपको यहाँ पर ये मटेरियल ग्रेड है, यहाँ पर दो चीज दी गई, FZ यानी कि फीड पर टूथ और VC, ये दोनों ही दिए गए। डेप्थ ऑफ कट के यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। अगर आप कैटलॉग में देखोगे सो पर्टिकुलर इंसर्ट के बारे में आप जान पाओगे उसकी जो वैल्यूज है, डेप्थ ऑफ कट है, कितने VC है, कौन सा मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये स्टील के लिए हम देखते हैं, ये इंसर्ट शायद ये 80 mm का कटर हो, अगर ये उसमें लगेगी तो उसके लिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फीड पर टूथ FZ अगर एक ही इंसर्ट होगी तो
स्पीड कितनी रहेगी वो यहां पर दिया गया 0.21 mm, और उसका अलावा 0.008 इंच, 0.21 mm, यानी कि अगर एक ही इंसर्ट रहेगी कटर में तो वो 0.21 mm से उसकी फीड 0.21 mm रहेगी अगर एक ही इंसर्ट होगी तो। फीड पर टूथ, एक ही टूथ होगा उसके लिए फीड कितनी है ये यहां पर दिया गया, ये बड़ी समझने की बात है। नाउ वीसी दी गई है, वीसी यानी कि 260 मीटर पर मिनट और 850 SFM। नाउ RPM, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, n यानी कि VC इंटू 1000 बाई पाई डी, तो VC क्या है 260 इंटू 1000 बाई 3.14। अगर हम एग्जांपल ले कि ये इंसर्ट 80 mm कटर के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, सो सपोज कटर डाया है 80 mm, तो जो RPM रहेगा वो है 1035 RPM। नाउ फीड इसकी कैलकुलेशन कोई अलग तरीके से होगी, जैसे कि यहां पर है फीड फॉर मिलिंग, फीड इक्वल्स टू एन इंटू एफजेड इंटू स्मॉल एन, तो एन यानी कि आरपीएम रहेगा यहां पर, एफजेड यानी कि फीड पर टू जो कि मेंशन है, और स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कटिंग एज, तो नंबर ऑफ इंसर्ट कितनी कटर पे लगी हुई है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है यहां पर टोटल फीड कैलकुलेट करने के लिए। तो फिलहाल अगर हम एग्जाम्पल ले यहां पर एन तो हमने कैलकुलेट किया है 80 mm डायमीटर का कटर है तो उसका आरपीएम रहेगा 1035 फॉर 260 मीटर पर मिनट की फीड कटिंग स्पीड, ओके 0.21 यानी कि फीड पर टूथ, तो वो हमारे पास अवेलेबल है इंसर्ट के बॉक्स के पीछे, और कटर में अगर 6 नंबर ऑफ इंसर्ट से लगी हुई है तो उससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये मीटर पर मिनट में है, ओके ये फीड 1304 मीटर पर मिनट में है। अगर हम आरपीएम से हमारी ये फीड मल्टीप्लाई करें तो मीटर पर मिनट में हमें फीड मिलेगी। अगर यहां पर टर्निंग के लिए देखा जाए तो फॉर टर्निंग हियर एन इक्वल्स टू 1 स्मॉल m, क्योंकि वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो उसकी इफेक्टिव एज है वो 1 रहेगी ड्यू टू सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यहां पर एन इक्वल्स टू 1 रखेंगे। और अगर हम आरपीएम से यहां आरपीएम से उसकी फीड मल्टीप्लाई करें तो वो मीटर पर मिनट में हमें उसका आंसर मिलेगा। यहां पर अगर हमने देखा था कितने आरपीएम, अगर टर्निंग में देखा जाए अगर मीटर पर मिनट में हमें सॉरी एमएम पर मिनट में अगर हमें फीड चाहिए, फीड एमएम पर मिनट में, तो हमें आरपीएम से उसकी फीड को मल्टीप्लाई करना है, तो वो कुछ मिल जाएगी 291 mm पर मिनट। तो ये टर्निंग के लिए अगर हमें mm पर मिनट में कैलकुलेट करना है तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी यहां पर एग्जांपल लिया था 1165 हमें मिली है, और इंसर्ट के बॉक्स में यहां पर फीड है 0.25 mm पर रिवॉल्यूशन, तो उसका अगर मल्टीप्लीकेशन करें दोनों का तो वो 291 mm पर मिनट हो जाएगा। Okay, all the best guys.